तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज का हमारा टॉपिक है और हम आपके साथ बातचीत करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किस तरीके से हम यूज करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट विद कंडीशन, आप कलर बॉर्डर डेट टाइम इस तरह की फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं बट एक कंडीशन पे, जो कंडीशन फुलफिल हो तो अप्लाई हो, फुलफिल ना हो तो अप्लाई ना हो। तो आज हम इसी चीज पर आपके साथ बातचीत करेंगे। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन हम आपको सब अलाउ कर और यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमारे सामने डेटा है हमारे पास, तो डेटा में क्वांटिटी है, तो बस मुझे यहाँ चेकआउट करना है कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है, क्योंकि ग्रेटर देन 50 वाली क्वांटिटी को मुझे हाईलाइट करना है ताकि उसको पहले देखना है। तो अब हाईलाइट क्यों करते हैं, सिंपल से हाईलाइट क्यों करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप एक रिपोर्ट दिखा रहे हो, एक डेटा दिखा रहे हो, आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को पहले देखा जाए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, या दूसरा हाईलाइट कर देना जहां पे मान लीजिए जो हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है और मुझे दिख जाए, मुझे ढूंढने की जरूरत न पड़े। तो इजी टू अंडरस्टैंड के लिए, जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन 50 वाले क्वांटिटी को हाईलाइट करना है क्योंकि जो 50 से ज्यादा सेल किया है उसको अच्छा सेल माना जाता है। अब मुझे देखना है कि किसने अच्छा सेल किया है, तो हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई सारे क्राइटेरिया है, इसमें हम हाईलाइट सेल्स रूल को समझेंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स में आपका यहाँ ग्रेटर देन दिख रहा है, तो यहाँ ग्रेटर देन पे क्लिक करूंगा और 50 डाल दूंगा, तो आप देख रहे हैं कि डेटा ऑटोमेटिक कलर हो गया, बट एक डिफॉल्ट कलर है। क्या हम इस कलर को चेंज कर सकते हैं, ऑफकोर्स चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ लाइट येलो, यहाँ आपका ग्रीन, यहाँ आपका आपको, तो इस तरह से हाईलाइट कर सकते। लेकिन मुझे इसमें से कोई फॉर्मेटिंग पसंद नहीं है, तो मैं कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा। कस्टम फॉर्मेटिंग में मैं यहां फिल में आऊंगा, फिल में अपनी कलर जो भी देना चाहते हो दे दीजिए एंड ओके। सर अब्बास जी, मैं इसको स्केप कर दिया ताकि हट जाए। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, डेट ओपनिंग एंड डुप्लीकेट। तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये हम नंबर और डेट पे टाइम मार्क करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैं बिटवीन डाल दिया डेट में, तो मैंने यहाँ पे डाला एक एक, प्रणाम पापा जी, बोलिए, घर पे हो, बोलिए। और यहां पे हमने डेट डाल दिया अपना कि भाई यहां पे 1/31/19, तो 1 से लेके 31 के बीच का डेट हाईलाइट हो गया, और कलर अपनी हिसाब से यहां सेलेक्ट कर सकते। तो आप लेस देन ग्रेटर देन बिटवीन में कोई पर्टिकुलर नंबर, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट, सॉरी कोई पर्टिकुलर नंबर एंड पर्टिकुलर डेट एंड टाइम को डाल सकते हैं, इसमें टेक्स्ट आप नहीं डाल सकते। उषा जी समझ में आया आपको ये, उषा जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रहे हैं। समझ में आया आपको ये? हाँ जी, हाँ जी सर। अब बात करते हैं इक्वल टू। इक्वल टू मतलब कि एग्जैक्ट सेल वैल्यू, चाहे वो डेट हो या कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट हो, जैसे एसडी, या कोई पर्टिकुलर नंबर, तो यहां से आप इक्वल टू में एग्जैक्ट सेल को हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि 25। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि यहाँ हमारे पास सिटी है, तो सिटी में हमारे पास न्यू दिल्ली है, और मान लीजिए कि दिल्ली है,
दो से तीन। अगर मैं यहां पे आया और हमने इक्वल टू दिल्ली किया तो दिल्ली हाईलाइट होगा, बट हमारा न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। अगर न्यू दिल्ली करूंगा दिल्ली नहीं, दोनों एक ही है, दिल्ली न्यू दिल्ली एक ही जगह माना जाता है, तो कैसे करें? तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। जी हाँ, टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन में जाएंगे और यहां पे मैं सिर्फ दिल्ली डालता हूं तो न्यू दिल्ली हो या दिल्ली, मतलब कंट्रोल एफ की तरह वर्क करता है, कंट्रोल एफ है उसकी तरह वर्क करता है कि जो आप डालेंगे वो आपका सर्च करके देगा। तो जो वर्ड आपने डाला है वो इस सेल के अंदर स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो या मिडल में हो, सबको हाईलाइट कर देगा। टेक्स्ट दैट कंटेन। अब टेक्स्ट दैट कंटेन का अगला ऑप्शन आता है डेट आखिरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेट हाईलाइट करता, तो मान लीजिए इसमें करेंट डेट डालता हूं मैं 11/1। हाँ, अब मान लीजिए मुझे इसमें से हाईलाइट करना है करेंट सिस्टम डेट, तो इक्वल टू में मान लीजिए आज तारीख है 5 है, तो मैं यहां पे 5/11 कर रहा, 11/5 कर दिया तो हाईलाइट हो गया 5 नवंबर। ठीक है, 5 नवंबर को मैं हाईलाइट कर दिया, बट फिक्स है कल मैं सिस्टम खोलूंगा तो 5 ही होगा। मैं जब कल जब सिस्टम खोलूं तो 6 हो जाए, तो उस केस में हमें यहां डेट ऑकरिंग का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो स्टडे, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, दिस वीक, देख रहे हैं तो सिस्टम जैसे अगर मैंने टुडे कर दिया तो आज 5 है तो कल खोलते 6 हो जाएगा, तो सिस्टम में जैसे चेंज होगा ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। अच्छा, डेट ऑकरिंग, डेट ऑकरिंग के बाद इस कैटेगरी की सबसे लास्ट है वो है डुप्लीकेट वैल्यू। एक सिलेक्टेड एरिया में अगर कोई नंबर मोर देन 1 टाइम है तो डुप्लीकेट वैल्यू से उसको हाईलाइट किया जा सकता है, या सिर्फ यूनिक को करना है तो ड्रॉप डाउन चेंज कीजिए, यूनिक हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कोई सीट है आपके पास और मैं चाहता हूँ, इस मान लीजिए सीट है हमारे पास और मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, मैं चाहता हूँ जैसे मैं कोई नेम दोबारा टाइप करूं वो अपने आप हाईलाइट हो जाए, तो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डुप्लीकेट एंड ओके। अब यहाँ पे मैं पूरा कर दिया, दोनों हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। सर, इसी में से आप ना एक वीडियो शेयर किए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें आपने दिखाए थे कि 1 टाइम 2 टाइम रिपीट हुआ है। हाँ, फर्स्ट वन मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा फॉर्मूले वाले चैप्टर में आएगा आपको। ओके ओके, तो आज की क्लास में आज मान लीजिए इस कैटेगरी में अभी तक सीखा आपने greater than, less than, between, equal to, text that contains a date offering and duplicate value. इस हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं टॉप बटन रोल्स की। अब इसलिए मुझे मान लीजिए टॉप 5 को हाईलाइट करना है, तो टॉप 10 में जाएंगे और यहाँ पे टॉप 5 दे देंगे, टॉप 5 हो जाएगा, टॉप 50 कर दीजिए, टॉप 500 कर दीजिए, आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं हाईएस्ट को। ऐसे यहाँ पे आप बॉटम 10 कर सकते हैं। ओके, अब इसमें भी एक चीज होती है जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे आपका टॉप 10% एंड बॉटम 10%। तो टॉप 10% बॉटम 10% ये परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है सर। ये परसेंट हम पूरा बताऊंगा तो आप इसको समझ जाइएगा। अब बात करते हैं अबव एवरेज। इस सिलेक्टेड डेटा का एक एवरेज है वह है 50, है ना। अगर मैंने इसको अबव एवरेज किया तो जो 50 से बड़ा होगा उसको हाईलाइट कर देगा, और इसी में बिलो होगा और ये बिलो हमने एवरेज कर दिया तो जो 50 से छोटा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। लेकिन
क्या है कि ये ऑटोमेटिक होगा, कल के डेट में हमारा नंबर इसमें एडिट होता है, चेंज होता है, तो जाहिर सी बात है मेरा चेंज होगा, एवरेज चेंज हो जाएगा, और जैसे ही मेरा एवरेज चेंज होगा एबीएस ने आपको चेंज कर देगा। ओके सर, ठीक है, क्लियर है कोई डाउट इसमें? नहीं सर। हाँ, तो यहाँ से इसका यूज करते हैं। एक सेकंड लीजिएगा, सॉरी कॉल आ रही थी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने कि हमने अभी अबव एवरेज के बारे में बात की, राइट? तो बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्या विषा जी? उषा जी, ओके। तो उषा जी, अब आगे जो हमारी टॉपिक है वो है उस पे कलर बार्स, डेटा बार्स में कलर और डेटा बार्स की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि हमारा जो डेटा है इसकी पोजीशन पूरे डेटा में कितना, जैसे टोटल डेटा आप देख रहे हैं कि 3940 है, अब इससे कोई कंपेयरिंग चार्ट तो नहीं बनाई जा सकती है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डेटा बार्स लगा देते हैं, बार से हमें पता चल जाता है कि अब पहली चीज है कि बार हमारा स्टार्टिंग से नहीं है, इसका मतलब कि इसमें निगेटिव नंबर्स भी है। तो जैसे नेगेटिव नंबर को मैं पॉजिटिव कर देता हूं, और भी नेगेटिव नंबर है यहाँ पे,
तो अगर इस बी से स्टार हो रहा है इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव नंबर भी है, राइट। और जितना बड़ा बार है इसका मतलब कितना उतना ज्यादा पोजीशन है इसको। एक मैं नेगेटिव नंबर हटा देता हूं, एक बार अब देखिए, अब स्टार्टिंग से है मतलब इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, और जिसका बार जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा ए है। अगर मैं इसको एक अलग सेल पे दिखाने की कोशिश करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो अब यहाँ पे बार देखें लगाता हूं मैं, तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे जैसे नंबर हमारा बढ़ रहा है जैसे यहाँ पे बार भी बढ़ रहा है, तो इसका यूज आगे चल के हम लोग डैशबोर्ड प्रोग्राम में लगाते हैं। और कलर स्केल के काम भी सेम है, आप देखिए कलर स्केल में लगा दिया तो रेड टू ग्रीन जा रहा है, छोटा रेड है बड़ा ग्रीन है। इसकी भी चेंजिंग अगर हम करते हैं तो चेंज करना हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे कैसे इसको हम चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कलर इसमें, अगर आपको एग्जैक्ट, अभी कभी कभी क्या होता है कि आपने जो ये लगाया है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ, और मैं यहाँ से एग्जैक्ट चाहता हूँ, मैं अच्छा से अंडरस्टैंड होने वाली चीजें। तो मैंने यहाँ पे अगर हमने ये लगा दिया आइकन लगा दिया, सिंपल हो रहा है। अगर आइकन की बात करें तो मैं हमारे यहाँ पे क्वार्टर वन है और यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन की 50 सेल है, क्वार्टर टू 60 सेल है। इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं यहां से आइकन सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये इजीली कंपेयर दिख जा रहा है। अगर कल के डेट में अगर ए 48 हो गया तो सेट हो जाएगा, हो गया ना सर। तो इसका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पेज में आपने दिखाए थे वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं सर इतना सारा नंबर्स में? नहीं, इसको दो का कर रहा है ना सिर्फ, ये मैं समझ गई सर, 50 को ये कंपेयर कर रहे हैं या कोई भी हाईएस्ट नंबर है उसको ऊपर दिखा रहा है, नेगेटिव कम नंबर है उसको नीचे वाला एरो दिखा रहा है। बट फर्स्ट पेज में दिखाया था ना आप, पहले वाला प्रीवियस पेज में। हाँ, तो इसको इसको समझने के लिए इसके आपको जाना पड़ेगा मैनेज रूल्स में। तो इसलिए क्या किया हुआ है कि इसका परसेंटेज निकाला हुआ है, सबका परसेंटेज निकाला हुआ, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। फिर इसको तीन कैटेगरी में बांट दिया कि 67% से ऊपर हो तो ए दिखे, बिटवीन 60-30% से ए दिखे, और इसके अंदर में आपके दिखे, समझे? परसेंट में किया है सर नंबर नहीं। हाँ, नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन डिस्कॉर्ड को क्या करते हैं ना, परसेंटाइल लगाता है और इसका परसेंटेज निकाल लेता है, और परसेंटेज भी आपके सबको अलग करता है, ठीक है। हेलो सर, आई गॉट इट। इसे भी डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो बताया कि हम हाईलाइट से टू टॉप बॉटम डेटा बार क्लस के आइकन सेट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट ये पूरा नहीं है, क्योंकि जो बाहर चीजें देख रहे हैं आप वो चीजें हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसको हमने ऑफिस में यूज जो है ऑफिस में हम इसका यूज करते बट बाहर नहीं है, तो वो चीजें मिलेगी आपको मोर रूल्स में, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल टू, दिख रहा है आपको, कंटेन में आपको बिगिन विथ एंड विथ, ऐसे और भी चीजें हैं। तो आप मोर रूल्स में आते हैं तो यहां सारा आपको मिलता है, ठीक है। और भी चीजें इसमें है जो कि हम इसकी कल की क्लास में आपको बताएंगे। तो पहले आप नॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कल की क्लास में हम इससे आगे की चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके मैम, हेलो। हाँ जी सर, ओके ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल मिलते हैं सेम 10:40 पे।